नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये है एसएससी जीडी का। आप लोगों के जो मेडिकल का लिस्ट आया था उस पर, उसके बाद जो है अब आ गया है एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड। कई लोग उसमें से निकाल भी लिए होंगे और कई लोग कमेंट किए हैं और फ़ोन किए हैं कि सर हमारा डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ समस्याएं आ रहे हैं, तो कृपया करके गाइड करिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको मेडिकल में जाने से पहले क्या 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 तैयारी करके जाना है, ठीक है भाई? तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी 2022 का मेडिकल अभी होने वाला है, तो उसका भाई प्रवेश पत्र जारी हो गया है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने पहले ही उसका ये लिंक है डाल दिया हूँ, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही वैसे ही ये पेज आपको खुल के मिल जाएगा, ठीक है? तो तीन तरीके से आप यहाँ पे अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये एक आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपको पता ही है यहाँ पे डालना है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डालना है, और ये नीचे यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, कुछ भी लेटर आपको देगा, जैसे यहाँ पे दिया है 9+5 कितना होता है, आप यहाँ पे डालिए और सर्च करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद और भी तरीके हैं दो, इसमें जो जो चीज़ें पूछा है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर पूछा है, डेट ऑफ बर्थ पूछा है, और सेम चीज़ें आपको कुछ भी प्लस माइनस जैसे दिया रहेगा उसको करके सर्च करेंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी एक तरीका दिया है, नाम, अपने पापा का नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सेम वही कार्रवाई करनी है, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो रही भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात। अब समस्या ये है कि कई लोग, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब वो जाते हैं मेडिकल टेस्ट के लिए तो कुछ तैयारी करके नहीं जाते हैं। तो आपको भाई साहब थोड़ी तैयारी करके जानी है। आपको जैसा पता है बहुत ही मुश्किलों के बाद आपका, आप यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। इसके पहले जो है बहुत सारे आपके साथ के जो दोस्त लोग होंगे और भी बहुत सारे जिनको आप जानते होंगे, उनके नाम नहीं आए हैं लिस्ट में, वो कट गए हैं पहले ही। और इसके बाद आप मेडिकल देंगे, मेडिकल में बहुत सारे लोग पास होंगे, बहुत सारे लोग फेल होंगे, तो उन लोग फिर यहाँ पे कटेंगे और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, तो जाके आपका ज्वाइनिंग वाली बात है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं अपना दांत साफ करवा के नहीं जाते हैं, जो भी आपका एडमिट कार्ड का डेट आया है, जो जिस भी दिन आपका है उसके 4 से 5 दिन पहले आप अपना क्या करिए, दांत साफ करवा लीजिए, कान साफ करवा लीजिए, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए। उसके बाद खाने पीने का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। लास्ट के जो 1 हफ्ता है या 8 दिन है या 7 दिन है, आप क्या है उसमें नॉर्मल खाना खाएं, जो घर का खाना होता है, बाहर का ना खाएं, जिससे क्या है वहाँ पे जो टेस्ट होगा मेडिकल टेस्ट उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नौकनी चेक होता है, नौकनी, फ्लैट फुट, ठीक है, पूरी बॉडी का चेकअप होता है, तो आपको हर चीज़ों का ध्यान देना है। कई लोग जो हैं हाथ चेक होता है तो हाथ को ऐसे यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ये जुड़ना नहीं चाहिए हाथ, ठीक है, ये जुड़ना नहीं चाहिए, यहाँ पे गैप होना चाहिए। उसी तरह पैर है, नौकनी, आप जानते हैं कि घुटना टच नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चीज़ों को आपको ध्यान देते हुए जाना है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मेरा आपसे सलाह है कि आप अपना आँख, अपना दांत साफ करवा लीजिए, आँख को चेकअप करवा लीजिए, कान साफ करवा लीजिए, और उसके बाद मेडिकल में जाइए। थोड़े से कारण अगर री मेडिकल आपको दे देता है तो बहुत ही दूर उड़ीसा जाना पड़ेगा, यहाँ जिनका बिलासपुर में मेडिकल होने वाला है उनको, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और भी अगर आपको कोई भी समस्या वगैरह हो या आपको ऐसा लगता है कि गाइड की ज़रूरत है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर लेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने लिंक डाल दिया है, इससे जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप। और समस्या हो तो आप, व्हाट्सएप नंबर है और ये ऑफिस का नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। जो भी हमसे बन पड़ेगा थोड़ा मोड़ा, जो भी हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.